सब गांवों को एक मशवरा है कि किसी तरीके से वो इसराइलियों के घरों के ऊपर पीटीआई के झंडे लगा दें और यकीन करें यहाँ के डिप्टी लोग उनको घर में घुस घुस के मारेंगे, उनका सामान तोड़ेंगे और उनकी औरतों को डराएंगे भी सही, लेकिन किसी तरीके से झंडे लगा दें पीटीआई के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं फुल वीलॉग के लिए मेहरबान पाकिस्तान पे तशरीफ लाए। वो एक ही बोल गया, मुझे नहीं पता ये क्या बोले। ये भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अच्छा जी, बात हो रही थी कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिस मिलेगा, और यूट्यूब वक्तन फवक्तन पूछता है कि आपको नोटिस आता है और आप में हमारा नोटिस भेजने से मुतमईन हैं, तो वहाँ फिर आप अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उसका यूँ करके जो मुंह बना उस बाबे को दबाना तो उनको चला जाएगा, फिर वो उसको रीशफल करके रीस्टार्ट कर देंगे। एक तो ये बात होगी, पॉलिटिकल टच के साथ हाजिर हैं। जिस तरह के एक हाजर सर्वर से लेफ्टिनेंट जनरल ने नादरा का संभाल लिया है, चार्ज संभाल लिया, बहुत संभाला था, हाँ जी पूरा मिलता है जी। अच्छा, इसी तरह उसी के ऊपर एक और लेफ्टिनेंट जनरल, जनरलों को कहीं ना कहीं तो फिक्स करना ही है, वो महकमा दाखला में आ रहा है जबकि नादरा दाखला के अंडर ही है। आपको याद है ना, राणे के अंडर था। अच्छा जी, लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल चढ़ा हुआ आएगा, इतना इनको करना है। वहां पर भी बड़े आराम से आ जाता है, वहाँ एक जगह पे आता महाना, एक जगह पे आता डेली। अच्छा जी, ये बात हो गई जी। जबकि एपेक्स कमेटी में किताबों में तो वजीर आजम है, लेकिन वो होते आर्मी चीफ के अंडर है, और उन्होंने अपने जीसीओ और पता नहीं किन किन लेफ्टिनेंट जनरलों का कहा कि आप कुछ कर रखो, तनाबे डाल के रखो एपेक्स कमेटी जड़ी ना, उसमें एक तो ये आ गया। अच्छा जी, एक काजी और नवाज, काजी नवाज शरीफ के कैंटर में आ गया, टका 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 शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ये भी बात हो गया। फिर एक और बात कर लें, जब तक मजामत नहीं होएगी उस वक्त तक मफामत नहीं होएगी। खान के वकील अली जफर जो है वो लोग उसको पट्टे पुट रहे हैं, लेकिन आहो वो पता नहीं किन चक्रों में है, तो कहाँ कहाँ पे वो खेल रहा है, किन के हाथों में खेल रहा है। अच्छा जी, ये भी बात कर लें, इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना मुसलमानों की नफरत बढ़ गई है, जो पहले 60% थी 65% हो गई। अच्छा जल्दी जल्दी करो, अच्छा जल्द इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जी, इमरान खान को मेरी कोर्ट में लाया जाए राजा सिकंदर सुल्तान की। आया लाडले, याद आया तूने जिसको अपॉइंट किया था कि मेरी कोर्ट में लाओ, तो इन्हें अदालत इसने की है, तो इसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है, देखते हैं लाते कि नहीं लाते। एक ये बात कर ले, मराको में मराको और मराके नाल ही है ना, वहाँ पे एक इको कॉन्फ्रेंस हो रही जहाँ पे वजीर खजाना साहिबा गई हुई हैं। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक ने खुले अल्फाज में कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने और अमेरिका ने बोल कर कहा कि जो कुछ आप PTI के साथ कर रहे हैं ये ना करें, हमारे खिलाफ वहाँ की वाम हो गई है, उसको किसी तरह खान को आहो डैश डैश करो भी शक, लेकिन PTI को इलेक्शन से बाहर ना करो नवाज शरीफ के कहने पर। ये मीठा मैंने डाला, ओपन उसने ये बात कर दी है। जो मरियम जिनको बचाती पड़ रही थी सैफ के बंदे 94 के खिलाफ, 10-12 शक्लों से पहचाने, बाकी कुछ नामालूम डाल के 94 बंदों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए, जो शहबाज शरीफ की उन्होंने रोकी थी रैली, जबकि शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा था कई मेरे इलाके के थे, उनको कोई मसाइल तो मैंने बुला दिया, उनको चाय पी रोटी छोटी दी थी, पावे भी खवाए ने, तो वो जो है उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई चले गए। जबकि ये हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में दी थी
ये मरियम के कहने पे सैफ भाई ने सैफुल मलूक कोकर को सैफ भाई कहता हूँ, तो सैफ भाई के बंदे थे, अब वो डंडा चाड़ रहा है तेरा खाता बंद, तेरी एटीएम मशीन बंद वगैरह। नवाज शरीफ साहब अभी तक तो जुमे वाले दिन तक तो आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे एमबीएस साहब, जो गारंटियां शरंटियां देनी थी। एमबीएस किस मुंह से कहेगा कि जुमे जिसका मैं सफीर हूँ उसको तुन के रखो तो बाकी तेरी ख्याल रहेगा। वो डेफिनेट इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवाएगा, बेशक इसको वजीर आजम बनाए लेकिन रिलीफ दिलवाएगा। टेक्निकल स्टे एक लफज सुने जी, फ्लाइट टेक्निकल स्टे होएगा जी वहां पे इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम सवारियां अंदर रहेंगी, नवाज शरीफ बाहर आएगा एक घंटे के लिए, पता नहीं अदालत जाएगा या जज जहाज में जाएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। वहां पे बता शो करेंगे जी मैं इधर मफरूर था, लो जी मैं आ गया त्यार सोट के, लो जी पापा मैं आ गया, इसको टेक्निकल स्टे कर रहे हैं। अच्छा जी एक और बात कर ले, सेनेट में एक जो इंडिया से पहले कहते थे चार आया, अब एक माने जी, एक जहाज आया था कराची के इधर उधर जंगल जंगल में खड़ा रहा, उसमें लोगों का ख्याल है, लोगों का ख्याल है कि उसमें डॉलर कटेची भर भर कर गए थे, साका डॉलर उस वक्त यहीं पे था। वो किसके थे, तमाम एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। वो किसके कहने पे आया था, तमाम एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। बकवास बोल रहे सैनेट वालों को, कुपी एक दो ना तो जो मर्जी कर लो, वो जहाज पाकिस्तान के रडार में गया गुजरा। मेरी बेटी जो है ना उसका जेठ है गाम जदर रडार का, वो उसने जर्मनी से ट्रेनिंग ले गया, वहां पहले बताया रडार वाले को एनू ना ठूठा कर देना, कोई अलर्ट ना कर देना, कोई बटन ना दबा देना, ये जहाज आ रहा है दिल्ली से, बगैर बताए आ सकता भला कोई। एक बात जिस तरह ओबीएल का था, दो हेलीकॉप्टर आ गए पता ही नहीं, बकवास कर रहे माल लिखा मन मूड बने। वो उस वक्त जो था ना जरदारी का चुप कर जा, तू ही पाशे को का चुप कर जा, ऑस्ट्रेलिया के बंगले के पलस्तर होने वाले रह गए, पैसे आ ले दो वगैरह वगैरह मिटा पाया जी। अच्छा जी वो नामकम्मल है जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट जी, हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी की जरूरत है, टेची कहाँ से चले गए, लगत जहाँ से सामान जाता वहाँ से, या जहाँ से सब्जियाँ आती जाती वहाँ से, या जहाँ से इम्पोर्ट होता वहाँ से, या वो जो ज़ियाउल्लाह के जहाज में जो पेटियाँ चली गई थी, इस तरह कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है, बस ऐवी गोंगलुओं से मिट्टी उतारी है उन्होंने और कुछ नहीं किया है। अच्छा जी फिर एक और, कतर ने जो वार्निंग दी थी कि मैं दुनिया की गैस बंद कर दूंगा, वो बड़े की एग्जिट वो लगे में उधर कंटेनर, वो जो सौदे देखी है मैं, वो कह रहा है कि ये जो सौदे पुराने मेरी बड़क से पहले के हैं, जैसा क्या जासम सानी जासम कतरी ने कहा कि ये हमारी मेरी बड़क से पहले के हैं, इस जंग से पहले के सौदे ये तो देने पड़ेंगे। बहरहाल वो हवा में ही उड़ गई, यहाँ था ना खत्म, जितना नुकसान होता मैं जिम्मेदार के सौदे कैंसल चले जाए, लेकिन जहाँ धड़ाधड़ वहां पे बरक है लगे हुए, यूरोप वालों को भी लगे हुए। अच्छा जी एक और मेरा आ रहा है, वो मैं मुझे याद भी करवा दीजिएगा, मोहतरमा शफीका जिया मरहूमा साहबा के बारे में एक आएगा प्रोग्राम, उसके सितारों में शामिल है हल्का 191 के एम एन एजाजुल्हक, और दूसरे उस विलन जेटीएम में वो वाइटल टी वाले हैं मियाँ साहब, और न जाने कुछ कुछ ये शामिल किए जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी बीच में आएगा, वो स्टोरी बाद में आएगी, पहले इसी तड़के में ये मैं बात कर लेता हूँ। शेख रशीद साहब बेचारे रोल गए, सीसीपीओ को नोटिस इशू हो गया, एसएचओ को इशू हो गया, इंक्वायरी अफसर कौन है, आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है ना वो इनका इंक्वायरी अफसर लगा है वगैरह वगैरह। अच्छा जी फिर क्या करना है जी, एक और बात करनी थी, वो ये करनी थी कि जो अगला एक क्लिप आएगा उसमें मीडिया में जो पैसे बांटे गए हैं वो उसकी डिटेल दी जाएगी। एक और है जी, 74 बिलियन खान बार बार सुई होते ही अटकी, टिल्ली बजा रहा है आसो मुनीर तेरी हर बात में, जो मुल्क से बाहर भी चला जाए, ये 74 बिलियन कहाँ से देगा,
कराचा सफर का तेरे में अल्लाह लब के लेना, मैं कशकोल लेके जाता हूँ। कहाँ से जाएगा? MBS के पास, MBZ के पास, बोल जाओ पाकिस्तान जिंदाबाद।